Good morning students, how are you? Now we will start revision number 5, topic number shapes and angles. In this revision we shall study how to calculate the value of x. आप दिए गए सम्स में x की वैल्यू को कैसे फाइंड करें, कैसे निकालें, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट। ये एंगल है, ये कैसा एंगल है आपका, राइट एंगल। कैसा एंगल है, राइट एंगल। इसमें से एक एंगल ये है 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है x। देखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 प्लस x, इन दोनों का ऐड होगा तभी तो एंगल एबीसी होगा कंप्लीट। एबीसी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 का। ये कितना है यहां पर 60 डिग्री, 90 इज इक्वल टू 60 प्लस x। अब क्या करेंगे, 90 इस ये जो निशान है इज इक्वल टू का, इसके इधर 60 को ले आएंगे। यहां पर 60 का साइन प्लस का, जब ये इज इक्वल टू यानी बराबर के निशान के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, 90 माइनस 60। अब जब 90 में से माइनस 60 करेंगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। देखिए 60 प्लस 30 हो गया ना 90। नेक्स्ट वन इज ये देखिए, ये एक एंगल है ABC, इसमें से एक पार्ट उसने बताया ये 15 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, टोटल एंगल कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BDC प्लस x, ये है 30 डिग्री का, ये इज इक्वल टू 15 प्लस x। अब क्या करेंगे, ये x है 30, ये 15 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया x इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि दूसरा एंगल कितने डिग्री का हो गया, 15 डिग्री का। अब देखो ये एक एंगल है, एंगल BOC, एंगल BOC कितने डिग्री का है, ये 120 डिग्री। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। इसमें से ये वाला एंगल एक वो है एंगल AOC, ये 70 डिग्री का है। जब ये 120 डिग्री का है सारा, ये 70 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का होगा। इसके लिए क्या करेंगे, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस x। एंगल BOC कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का, लिख लिया 120 डिग्री। ये वाला AOC कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का, ये लिख लिया प्लस x। अब 120 में से आप 70 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो यहां पर प्लस का है, यहां माइनस का हो जाएगा, माइनस का। 120 में 70 माइनस कीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री, यानी कि ये कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का। तीन एंगल बताया मैंने, कैसे आप फाइंड करेंगे। अब ये पार्ट नंबर सी, ये एंगल है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कैसा एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है। कितने डिग्री का होता है वो, 180 डिग्री। अब ये टोटल एंगल जो है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का है, इसमें से ये एक एंगल 40 डिग्री का है। अब ये बचा हुआ एंगल कितना है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई। अब आप एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी बी सी प्लस एक्स। एंगल ए बी सी कितने डिग्री का बताया था मैंने, 180 डिग्री का। बी बी सी कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का प्लस एक्स, ये वाला आपको निकालना है। अब 180 डिग्री, इस 40 डिग्री को बराबर के निशान के इधर लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। एक्स अब 180 में से आप 40 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 140 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 140 डिग्री। टुडे वी स्टडी हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आज आपने क्या इस वीडियो में देखा कि आप दिए गए एंगल्स में से एक्स की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, वीडियो को देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।